हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज पल्सर NS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। देखो, जब पल्सर 250F एंड N250M लॉन्च नहीं हुआ था तो हम सभी ने सोचा था कि शायद NS250 अब इंडियन मार्केट पे आ रहा है, बट N250 लॉन्च होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो N250 पल्सर 250 की एक नेकेड वर्जन है, वो NS250 की जैसा नहीं है। NS200 जब से लॉन्च हुआ है यहाँ पर समय समय पर कलर एंड ग्राफिक्स की थोड़ी बहुत चेंजेस होता रहा है, बट इस बाइक पर आपको सीरियसली कोई फीचर्स एंड चेंजेस अपडेट आपको नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि 2022 पर जितनी भी बाइक लॉन्च होगा उस पर आपको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ लॉन्च होगा, एंड NS200 से अगर कोई अदर बाइक्स की कंपैरिजन हुआ सो अदर बाइक्स विन हो जाएगा, क्योंकि NS200 सिर्फ पावर एंड नेकेड कैरेक्टर के वजह से जिंदा है, यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलता है। इसलिए 2022 पर NS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आप इंडियन मार्केट पर दिखने वाला है दोस्तों, एंड ये मॉडल आपको काफी तगड़ा फीचर्स के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर काफी चेंजेस एंड अपडेट आप लोग नोटिस कर सकते हो, जैसे कि USD Fox, ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन। सो इसके बारे में आज का वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल की फ्रंट की अगर बात किया जाए तो फ्रंट पर आपको काफी चेंजेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि फ्रंट टायर आपको जो मिलता है वही साथ आपको मिलेगा, बट यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS के साथ बाइक अब आएगा, एंड फ्रंट की जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था वो चेंज होकर USD Fox के साथ आएगा दोस्तों। फ्रंट डिस्प्ले 300mm की मिलेगा, एंड जो फ्रंट की इंजन गार्ड होगा यहाँ पर थोड़ी बहुत हमको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इंजन की कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 199.5 cc इंजन के साथ आपको 24.5 bhp की पावर मिलेगा जो 18.5 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा दोस्तों। इंजन पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, एंड अभी तो NS200 पर आपको हैलोजन हेडलैम्प एंड हैलोजन इंडिकेटर्स के साथ मिल रहा है, बट आने वाले NS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर आपको जो है दोस्तों LED हेडलैम्प मिल जाएगा जो LED इंडिकेटर के साथ ही लॉन्च होगा। बाइक्स के टायर साइज की बात किया जाए तो यहाँ पर टायर साइज थोड़ी सी ब्रॉड होने वाले, यानी कि रियर पर आपको अभी तो 130/70 का टायर मिल रहा है, बट NS200 की जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आ रहा है यहाँ पर आपको 140/70 का टायर मिलेगा, एंड फ्रंट पर आपको 110/80 सेक्शन का टायर मिलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मीटर कंसोल्ट के बारे में। सो NS200 जब से लॉन्च हुआ है यहाँ पर अब लोगों को एनालॉग एंड डिजिटल मीटर के साथ NS200, NS125, NS160 आपको दिख रहा है दोस्तों, बट NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल पर आपको जो है मीटर कंसोल बिल्कुल चेंज होने वाला है। जैसे कि आपको NS250 पल्सर 250A पर जो मीटर कंसोल्ट मिला है वही मीटर आपको यहाँ पर मिलेगा, बट इस मीटर पर आपको जो है दोस्तों ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन आपको मिलेगा, गियर शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड काफी सारे फीचर्स आपको मिलेगा जिसे आप अपनी फोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हो। एंड NS200 के जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आ रहे यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट भी मिलेगा जिससे आप अपनी फोन को चार्ज कर सकते हो। आप बात करते हैं NS200 की नेक्स्ट जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट पे कब तक लॉन्च होगा दोस्तों। देखो, पल्सर 250F एंड N250F अभी तो फेस्टिव सीजन पे लॉन्च हुआ दीपावली के टाइम, बट NS200 आपको 2022 की जो मार्च की महीना है इसके अंदर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ही NS200 लॉन्च होगा। एंड आप लोग अगर N250 से NS200 की कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप अगर डोमिना 250 से N250 की कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। प्राइस की अगर बात किया जाए NS200 ऑन रोड प्राइस के साथ BS6 मॉडल के साथ आपको 2021 पर मिल जाते 1,75,000, बट NS200 नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आपको 2,00,000 रुपए के अंदर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको USD Fox, ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन, 140 का टायर आपको मिल रहा है। तो आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी वाला वीडियो शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में।